पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर हरियाणा में स्कूल एक बार फिर से बंद किए गए हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अभी खुली रहेंगी। कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि अभी सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और एक अच्छी संख्या देखी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है, वहीं दूसरी कक्षाएं भी खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो समय के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि छोटी कक्षाओं की परीक्षाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर कहीं पर परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो वहां ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी। पहली से लेकर आठवीं तक के जो स्कूल है वो हमने अभी बंद कर दिए, कोरोना का जो प्रकोप है उसको देखते हुए अभी उनको बंद कर दिया, तो वो स्कूल बंद रहेंगे, बाकी स्कूल अभी खुले रहेंगे। और जैसे अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो निर्णय तुरंत लेंगे। वो पेपर जो हमने जैसे छोटे बच्चों का था वो तो लगभग काफ़ी कुछ तो हो भी चुका है उसमें, लेकिन अगर कुछ बच्चों के रहे तो उसको ऑनलाइन देख लेंगे। नहीं, टीचर तो स्कूल में जाएंगे अभी और जो भी उसके काम है भाग्य कार्य है वो करते रहेंगे। आने अभी तक तो उसमें कोई परिवर्तन हमने किया नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होगी तो जैसे मान लीजिए कुछ की जैसे ऑफलाइन है तो अगर ऑनलाइन लेनी पड़ेगी तो उसका ऑनलाइन का भी निर्णय भी ले सकते। लॉकडाउन पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है, हरियाणा में अभी स्थिति ठीक है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अभी इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बिना बात के कहीं भीड़ ना की जाए। अगर आपका जरूरी काम है तो निश्चित तौर से बाजार में आप जाएं, आप अपनी खरीदारी करें, लेकिन बिना जरूरत के घूमने के लिए ना जाएं वहाँ। और भीड़ से बचना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए के रखनी चाहिए, और जिनको वैक्सीन देने की बात है उन सबको अपना वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। वैसे काफी बड़ी संख्या में लोग लगवाने वाले हैं, इस टाइम लोगों में काफी उत्साह है वैक्सीन। नहीं, कहीं अभाव नहीं है वैक्सीन का, पूरी है वैक्सीन और लगवाने वाले भी में भी उत्साह है और वैक्सीन पूरी है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन पर कहा कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है, लोग खुद ही वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। यमुनानगर से राहुल सजवानी की रिपोर्ट।